बार को ज्यादा मत लगा। अरे इसका पीछे ये है ना, ज्यादा मंगे मत लगा। क्या था अभी लग गया ऐसे नहीं, पूरा पेट उठा। हाँ दो पूरा पेट उठा। गुड बॉय। मैंने मना किया था उसके बाद उसने किया। हॉबी से डालमा बोलते हैं, जो पूरा जो कार्तिक महीना वो पूरा फास्टिंग रखते हैं ना, वो लोग ये वाला डालमा बनाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें ना हल्दी ऐड नहीं होता है, बगैर हल्दी में बनता है। और जो तड़का लगता है वो घी का तड़का लगता है, लेकिन घी में मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें रिफाइन तेल यूज़ करूँगी। आप लोग लेकिन घी, मतलब इसमें तड़का जो लगाओगे घी के साथ तड़का लगाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना मेरा जो मूंग दाल वो भी फ्राई हो गया है। तो ये रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कार्तिक महीना आ रहा है, तो ये ओडिया डिश आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा। उसके बाद आप कमेंट्स में, मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं ये जो डालमा है आप लोग को कैसे लगा। बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। चलिए मेरा मूंग दाल अभी पूरा, मतलब हल्का ब्राउन कलर हो गया है, तो मैं उसको निकाल देती हूँ। और सब्जी में रॉ बनाना है, कच्चू है, आलू और जो एलिफेंट एप्पल है वो वाला है, वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा ना, वही है। मूंग दाल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको एक कटोरी में निकाल देंगे धुलाने के लिए, और वही कढ़ाई में हम थोड़ा सा गर्म पानी भी बिठा देंगे। जैसे पानी गर्म हो जाएगा, दाल को धुला के डाल के थोड़ा सा नमक डाल के फिर कवर कर लेंगे। चेक करते हैं, ये देखिए दाल ना इतना पकना चाहिए, इसमें हल्दी नहीं डालना है। और सब्जी में देखिए रॉ बनाना है, कच्चू है, देन दाल जैसे अच्छा से बॉईल हो जाएगा तब जाके हम सब्जी डाल देंगे। सब्जी अच्छा से पक जाएगा तब जाके हम एलिफेंट एप्पल उसको डालेंगे, बन जाएगा। तब आपको थोड़ा सा नारियल डालना है, क्योंकि नारियल में ना अच्छा टेस्ट आता है। और ओम के लिए मैं निकाल दिया हूँ इस कटोरी में, बाद में तड़का लगाऊंगी। ये देखिए ये ऐसे ही ना सफ़ेद रहेगा, क्योंकि हल्दी नहीं डालते ना इसलिए। और ये देखिए नारियल है, अभी मैं नारियल डालूंगी। दाल और सब्जी अच्छा से पक गया है, ये देखिए नारियल डाल के और 2-3 मिनट अच्छा से हम उसको कवर करके पकाएंगे। अभी तड़का तैयार कर रहे हैं, तड़का में कुछ नहीं है, जीरा और सूखा मिर्च, बस यही तड़का लगाना है। आप देसी घी में तड़का लगाना। और आज का जो ब्लॉग है मेरा ज़्यादा नेचुरल साउंड है, और मैं बात कम कर रही हूँ और साउंड जो है मेरा ज़्यादा है।
सब्जी मेरा बनके रेडी हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, जैसे कि मैंने ना जो ड्राई रोस्ट करके जीरा और ड्राई चिली रखी थी उसी को मैंने ग्राइंडिंग कर लिया हूँ दरदरा सा, और एक साइड में रॉ बनाना आलू भी फ्राई किया था उसी में भी थोड़ा सा जीरा और मिर्च पाउडर डाल दिया हूँ। ये देखिए सब्जी डन हो गया है। इसको हम लोग हबीसा डालमा बोलते हैं, ये ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, आप लोग पक्का ट्राई कीजिएगा। और मैं अभी आ गई हूँ जय को खिलाने के लिए, और आज ना मेरा हाथ थोड़ा जल गया, मैं लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और जलने के बाद तो आप लोग को पता है कितना मतलब पेन होता है। और जय का ना मतलब सोने का भी टाइम हो गया, इसीलिए इधर ही सो गया है। उसको पानी पिला के मैं फिर उसको सुला दूंगी। मेरा हाथ देखिए कैसे जल गया, ये देखिए बहुत ना पेन हो रहा है। ये साइड तो इतना नहीं हुआ है, फिर देखिए लाल जैसा हो गया है ये, लेकिन ये जो बैक साइड है ये कितना ज़्यादा जल गया है। छोड़िए, और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ, चना दाल कद्दू और आलू डाल के, और इधर मसाला भी रेडी करके रखी हूँ, प्याज लहसुन अदरक इसको कूट के अभी डालूंगी। कढ़ाई भी मेरा गर्म हो गया, रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मेरा जो हाथ है ना बहुत पेन हो रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए रेसिपी कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। जॉय आ गया, ये कितना लेने के लिए रख दो बाबा, ये गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, सुनना चो बाबा छोड़ दो, गिर जाएगा ऊपर में गिर जाएगा। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मैं ओम के लिए ना एक पराठा बना रही हूँ, तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स देने के लिए मत भूलिए, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर